में हेल्थ और सेफ्टी की मांग काफी बढ़ गई है, हेल्थ एंड सेफ्टी की डिमांड काफी बढ़ गई है। हर देशों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है। जिस तरह से कोरोना ने हम सबको वो दिन दिखाए थे, उसके बाद से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंपनी जो कभी सेफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हुआ करती थी, आज वह कंपनी भी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड कर रही है। आज छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सभी कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड कर। और एक बदलाव और हुआ कि हमें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर तो चाहिए, लेकिन हमें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर जो चाहिए कम से कम रेगुलर मोड वाला चाहिए। अब रेगुलर मोड से क्या मतलब है यहां पे? रेगुलर मोड से मतलब यह है कि कम से कम उन्होंने एक साल का कोर्स किया हो, एक साल की पढ़ाई किया हो, वर्कशॉप किया हो, असाइनमेंट किया हो, सेनेरियो किया हो, केस स्टडी किया हो, ये तमाम चीजें किया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ एक SST इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पे ये सारी चीजें पूरी होती है। यानी स्टडी ऑफ क्वालिटी से कभी SST इंस्टीट्यूट कभी समझौता नहीं करता है, ये बखूबी पूरी दुनिया जान चुकी है और सारे लोग जान चुके हैं। तो जिस हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी भी बढ़ रही है। आप कहीं भी चले जाइए, एक समय ऐसा था कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने के लिए लोग काफी सोचा करते थे कि हम करें या ना करें, ठीक है। लेकिन जिस तरह से वक्त ने करवट बदली है और डेवलपमेंट का काम को देखा है, फिर कामों का अचानक बंद होना, कोविड में बंद होना, फिर शुरू होना, तो जब लोगों ने नुकसान को कैलकुलेट किया तो पता चला कि नहीं, इस नुकसान से हम बच सकते हैं अगर हमारे पास एक बेहतर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर रहे तो। यही वजह है कि आज जो है हर जगह आप देखिए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड बढ़ चुकी है। गल्फ देशों की बात ले लीजिए, ठीक है, जहां पे काम हो रहा है समुद्र में देख लीजिए, समुद्र पे जहां काम हो रहा है, पानी के अंदर काम हो रहा है, पानी के ऊपर काम हो रहा है, कोई भी काम बगैर सेफ्टी ऑफिसर के नहीं चल रहा है। हर जगह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता है। और अगर आपको अच्छी जानकारी हो जाती है, आपको बुनियादी चीजों की बेहतर जानकारी हो जाती है, तो हर कंपनी आपको बुलाती है और जॉब का ऑफर का दरवाजा खोल देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बिल्कुल किसी तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में एक बेहतर फील्ड है, बेहतर क्षेत्र है। आप सबने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं आज इस बात को कर रहा हूं। सैलरी की अगर हम बात करें तो इस साल से जो सैलरी इंक्रीज हुई है, जो बढ़ी है, वो अपने आप में एक बेहतर सैलरी है। अभी हाल ही में जो कुछ SSTNs यानी SST से पास आउट हुए कैंडिडेट जो गल्फ देशों में गए हैं, उनकी सैलरी पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो वह सैलरी काफी बेहतर है और काफी लाजवाब है, और पहले की अपेक्षा उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो सैलरी थी और इस समय जो सैलरी मिल रही है उसमें लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, 20% की सैलरी की बढ़ोतरी हुई है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में जाना एक बेहतर निर्णय होगा, एक बेहतर डिसीजन होगा आपका। लेकिन इस डिसीजन के साथ साथ ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि केवल सैलरी को देख करके आप डिसीजन ना लें, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप केवल सैलरी को देख करके आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं या इस फील्ड में जाते हैं, तो भाई पूरी ईमानदारी से आप काम नहीं कर पाएंगे, पूरी ईमानदारी से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक जो है आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पूछा था, इस समय वो स्थिति काफी बेहतर है, काफी लाजवाब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी शुरुआत, हेल्थ एंड सेफ्टी की शुरुआत तो 10वीं की पढ़ाई करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10+2 पर इसकी शुरुआत करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई पता नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो दो कोर्स के बारे में जरूर कंसीडर करिएगा और 10+2 के बाद ही कोर्स करने की कोशिश करिए। 10+2 पर करने का मतलब क्या है कि अगर आप करते हैं तो दो लेवल के कोर्स आप कर पाते हैं। आप एडवांस सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं,
ठीक है, एडवांस लेवल का। दूसरा जो है मैनेजमेंट लेवल का आप कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। ये दो कोर्स जो है आपको एक अच्छी सैलरी दिलाने में कामयाब होते हैं। और अगर आप किसी वजह से आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं और सेफ्टी फील्ड में जाना है, आपने 12वीं पास नहीं किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है 10वीं बेस पर आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं। आपका जो डिप्लोमा होगा उस डिप्लोमा को करने के बाद भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी का फील्ड अपने आप में बेहतर और लाजवाब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है।